बड़ा तके। माता बहनों आपसे भी कह रहा हूं, जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया। जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे दुर्योधन घर पे आया मैं, शुक्र करूं साईं का, धन माया का भूखा है कोई भूखा मार बनाई का। अपने मन से बड़ा तकूं, अपने मन से बड़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का। हाथ पकड़ के साथियों ये कहने लगा कि मेरे ताई का बेटा है, मैं अपने मन से इसको बड़ा तकता हूं। कैसे बताया, अपने मन में बड़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का। कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास। तेरे कदमों में तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस, तेरे कदमों में तन मन धन से दुर्योधन योद्धा तेरे कदमों में। हो करने ने प्यार बताओ, हो करने ने प्यार बताओ, तेरा जो भी काम बड़ा होगा। जो रोहन के वो पूछते हैं साथियों धर्मराज युधिष्ठिर, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते। हूं करने ने प्यार बताओ, जो करवाना चाहते।
घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे सिर जो हुक्म चढ़ाते तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुलाते इतनी कह के रोया मन में इतनी कह के रोया मन में पासन आज भरा होगा जो को रोने पड़ा तक वो एक दिन आप बड़ा कहो क्यों ना खोल बताते और मैं हूं करने को तैयार बताओ जो करवाना चाहते अरे मेरे तो घर बैठे ही चढ़ जाता तुम जो सिर हुक्म चढ़ाते तकलीफ क्यों करी तुमने आड़े की इस दास को वही बुलाते और इतनी कह के रोया मन में पासंग आज धड़ा हो गया आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा धर्मराज ये कहता है रे भाई दुर्योधन कोई काम था तो मुझे बुला लेता तू बेशक से रिश्ते में मुझसे छोटा है लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं हूं नखून कभी उंगली से दूर नहीं हो सकता मेरे घर बैठे ही जो तू हुक्म चढ़ाता मेरे सिर चढ़ जाता तू नहाने की तकलीफ क्यों करी साथियों कुल और जल को मिलते देर नहीं लगती लेकिन समय की विडंबना समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है उस समय की उस वक्त की साथियों जो मांग थी वो यही थी आदरणीय हमारे परम आदरणीय गुरुजी वीर सिंह की बार से बहुत इनाम पुरस्कार पहले दे दिया है 100 रुपए फिर दे करके सम्मान बढ़ाया है उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं अंतिम कली के द्वारा किस तरह से लिखा है क्या बताया क्या कहा बोला इन चार लाइनों में बताया है जो इन चार लाइन जो बाद में अभी आपके बीच में भाई बिशन सुनाएगा इन चार लाइनों में बताया है इन बातों पर अगर जो इंसान अनुसरण कर ले इनको पल्ले में गांठ बांध ले तो साथ के कभी जीवन में मार नहीं खा सकता अंतिम कलियों के अंतिम कली के द्वारा कैसे कैसे शब्द लिखे माता बहनों आपको भी काम की बात है क्या कहा जहां आव भाव सम्मान नहीं हां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता जहां जूत लगे जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता सुनने वाले जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता लड्डन सिंह राजबल अबे लड्डन सिंह बता